तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। और अब हो गए हम गाड़ी रेंट करे 15 दिन और अमेजोन से आ चुके हैं राज भाई के घर पे, मतलब मराइयों स्टेट करके कोई स्टेट है यहाँ पे। ये मेरी है 7th 8th 9th स्टेट ब्राज़ील में। और गाड़ी की कुछ ऐसी हालत हो चुकी है भाई अमेजोन पे जाने के बाद, ये मतलब यहाँ पे करोड़ों मच्छर मर चुके हैं, शीशे की बुरी हालत, ये टूटा था और अब इसके बाद बढ़ते बढ़ते क्रैक यहाँ तक आ चुका है। इसका तो बाद में ही देख सकते हैं, पर ये अभी मिट्टी जम चुकी है, ऐसी जम चुकी है कि ये उतर नहीं सकती अगर धोगे नहीं। यहाँ पे देखो क्या हो चुका है, यहाँ देखो भाई, ठीक है। तो इस हालत में आगे गाड़ी नहीं लेके जाई जा सकती। और इससे जो आगे का सफ़र होगा रियो डी जेनेरो तक का, जो हम गाड़ी में करेंगे, जो कि 4100 किलोमीटर्स है, और अभी तक हमने गाड़ी लगभग चला दी 7500 किलोमीटर, वो मैं अकेला करूँगा क्योंकि राज भाई का घर आ गया है, वरना उनको दोबारा रियो से वापस आना पड़ेगा 2200-2300 किलोमीटर अपने घर के लिए। और पहले भी साओ पाउलो आए थे, वो 2300-2400 किलोमीटर, तो कोई सेंस नहीं बनता। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं अकेला ही गाड़ी चला लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी ये इनका घर है ऐसे, और ये गांव टाइप कह सकते हो आप कि ब्राज़ील में एक गांव टाइप, गांव से थोड़ा सा ऊपर कह सकते हो। यहाँ देखो घर के ऊपर शॉक वायर्स लगी हुई हैं कि, पर आपको इंडिया में कभी नहीं मिलेंगी कि ऐसे शॉक वायर्स लगी हुई हों घर के ऊपर, ये शॉक वायर्स हैं भाई। तो अभी पाइप वाइप का जुगाड़ करते हैं और फिर इसको धोते हैं। दूसरा काम हमको क्या करना है भाई, गाड़ी को अंदर से पूरा, मतलब देखो सामान कैसे फैला हुआ है, ये सारा अरेंज करना है भाई, ठीक है। फिर ये जो इसका टायर मुड़ गया, आपको पता नहीं होगा तीसरी बार टायर मुड़ चुका है, तो वो बोराचारिया पे जाके, बोराचारिया का मतलब होता है भाई जहाँ पे टायरों वगैरह का काम होता है, मतलब पंचर की दुकान, तो उस पे जाके ठीक करा के लाना है, ठीक है। और राज भाई अपना सारा सामान निकाल लेंगे। और हाँ एक चीज़ और यार, अगर आपने अमेज़ोन की वीडियो देखी नहीं है चाबी का है, तो इसके फुटमैट्स जो होते हैं ना गाड़ी के, ये जो फुटमैट्स होते हैं यहाँ पे, ये पूरे कीचड़ हो चुके हैं, वो भी धोने हैं। और मेरे को अपने जूते भी धोने हैं, वो भी पूरे कीचड़ हो चुके हैं, और राज भाई को भी अपने जूते धोने। ये पाइप आ गई है भाई, गाड़ी पीछे कर दी है, हैं भाई गाड़ी पीछे करो थोड़ी सी, मेरे पास चाबी नहीं है, रुको लेके आता हूँ मैं चाबी, पीछे करो हैं, पीछे करो थोड़ी कर दे, तो थोड़ी गाड़ी पीछे कर देते हैं। ये पीछे आप घर देख सकते हो, फिर सही हो जाएगा, मतलब पानी चला के ना इस पर पानी मार देंगे, थोड़ा कपड़ा वपड़ा मार देंगे। और यहाँ देखो यार ये क्या हो चुका है, पूरी गाड़ी का सत्यानाश हो चुका है। तो आगे मैं अकेला ही जाऊँगा यार, 5 दिन और लगेंगे मेरे को रियो पहुँचने में, 5 या 6 अभी पता नहीं है कितने दिन लगेंगे यार एक्स्ट्रा, ठीक है। सही है, तो पाजी ने धोनी शुरू कर दिया भाई गाड़ी, पहले पानी फिर पानी डालेंगे ताकि मिट्टी उतर जाए, अमेज़न की मिट्टी ये उतरने का नाम नहीं ले रही है, वैसे मार रहे हैं पानी तब भी, पानी से नहीं सरफ से उतरेंगे। ऐसी मिट्टी नहीं होगी, ऐसी नहीं होगी मिट्टी उतरे ही ना, तो थोड़ी सही शेप में होती है गाड़ी, मतलब धोने के बाद रुको थोड़ी सही हो जाती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या हालत होती है जो भी हम एक्स्ट्रा स्टेप करते हैं अभी, या गांव में गाड़ी धो देते हैं। ओ भाई क्या निकल रही है देखना, लाल मिट्टी भाई, बारह तो पानी नहीं, थोड़ा इतनी धोने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसी कर दो बस मैं आगे चला सकूं, खुद धोएंगे वो, हम क्यों धोए। कैमरे पे आ गया पानी, हाँ वही तो, ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गंदे कपड़े से बस ऊपर ऊपर से कर देंगे, हम पक्के बोराचारिया वाले बन सकते हैं अब, स्टफ नहीं चेंज करनी हमको आती है, गाड़ी धोनी हमको आती है। तो भाई कैसा लाल मिट्टी निकल रही है ना भाजी, 12 फीट दी है मिट्टी आने थोड़ी, नहीं भाजी पक्की बात, नहीं 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 बार नहीं कोस रहा, चलो उतर नहीं भाई मिट्टी,
नहीं उतरेगी पाजी, सर्फ सर्फ मारनी पैनी है पूरी पाजी। तुसी डिप्लोमा कर लिया गड्डी धोण दा, पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दो, यात्री डॉक्टर कारो आश शुरू कर लो, नाल नाल एक और यूट्यूब दा चैनल ले आओ, कुछ सर्फ वर्फ कपड़ा वपड़ा सा मारते हैं, लेके आने हैं। हां दो ले आओ फिर, एक तरफ से मैं मारना शुरू करता हूं। हां एक तरफ से आप शीशे पे से भी नहीं उतर रही है ये देखो। हां जी हां जी हां जी बिल्कुल बिल्कुल। ये है यहां पे एवोकाडो शेक, जो कि इंडिया में तो मिलता नहीं है, मतलब मिलता होगा एवोकाडो पर शेक तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं बनाता है। यहाँ पे काफ़ी कॉमन है ये, मेरे को नहीं पता कैसे बनता है, राज भाई की गर्लफ्रेंड ने बना ही दिया। तो भाई जब तक थोड़ा अभी क्या कर रहे हैं ना, हम ये सर्फ हमने ख़रीदा था साओ पाउलो में, अगर आपको याद हो, कपड़े धोने के लिए। तो उस बाल्टी में सर्फ का पानी बनाते हैं और दो कपड़े ले लिए हैं, अभी धोबी घाट बनाते हैं गाड़ी का वहाँ पर। तब तक मैं क्या करता हूँ, आपको राज भाई का ये छोटा सा गांव टाइप कह सकते हो आप, ब्राज़ील में तो इसको गांव ही कहेंगे ये मैं ड्रोन के थ्रू आपको दिखाता हूं भाई। ये रख दिया अपना ड्रोन, अब उड़ाने के लिए तैयार, अब एंजॉय करो भाई आप ड्रोन शॉट्स। ये देखो भाई ऐसी मिट्टी थी, अभी तक प्रेशर में पानी मार रहे हैं, अच्छा खासा प्रेशर है, पर ये मिट्टी देखो कैसे चिपक गई है बिल्कुल हाथ पे जी और अभी हमने सर्फ तैयार कर ली है, पानी ना पानी से पूरा सर्फ डाल दिया। नहीं नहीं बंद कराओ इसको, सर्फ तैयार, गाड़ी धोने की तैयारी पूरी। तो भाई साबुन से धो दिया ये भी, गाड़ी भी पानी चला दिया, अब चेक करते हैं क्या रिजल्ट आया, आउटपुट देखते हैं कुछ फायदा हुआ सर्फ का, नहीं हुआ फायदा, चलो सर्फ का नहीं हो, बस दो जोर लगा के धोने का काम है। 60% अभी भी नहीं उतर रहा, उतर रहा है अभी भी नहीं उतरा ना ढंग से, ठीक है 90% साफ हो गया, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी, हमने तो वैसे ही अच्छेपन में धो दी। इतने गंदी गाड़ी चला रहे थे ना कितने दिन के, चलो साफ कर लेते हैं, आज मौका मिला है कर लेंगे, होटल में रुकते मौका भी नहीं मिलता, होटल में कहाँ साफ। तो एक चीज़ और रह गई थी, राज भाई याद दिलाई कि बोनर वो वाइपर का पानी हमारा ख़त्म हो गया था, तो ये पाजी रुक जाओ इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ। तो भाई बड़ा हार्ड है ऊपर, ये लगेगा ये कहीं और लगेगा, ये ठीक है भाई सही है ये वाइपर का पानी भर दिया, अंदर से तो इतनी गंदी नहीं हुई है ना, बोनट को चले ठीक है, भर गया पूरा। कर दो बंद, फालतू पानी वानी छिड़के कुछ हो जाए। ये देखो भाई जूतों की क्या हालत हो रखी है कि, ओ भाई
मेरे भी ऐसे हो गए वहाँ पे, हमें तो पाजी के तो ज़्यादा ही हो गए कुछ। पूरा गहरा है ना अभी, ये पहले गीला होगा फिर उतरेगा, ड्राई है ना पूरा अभी। देखो उस बूटा दे छप के चॉकलेट बन गई। चलो इनको भी धोते हैं, देखते हैं कैसा रिजल्ट। तब तक गाड़ी का रिजल्ट दिखा दूं मैं। गाड़ी बिल्कुल चमक गई है और यहाँ पे मेरे को लगता नहीं सूखा कपड़ा मारने की जरूरत होती है। नहीं, जरूरत भी नहीं होती यहाँ पे इतनी, क्योंकि मिट्टी नहीं उड़ती ना। तो ठीक है, अपना शीशा साफ हो गया, और क्या चाहिए ड्राइविंग में, बस इतना ही चाहिए। ओहो, ये थैली में से ये क्या क्या निकल रहा है। ओहो, वहाँ चांद दिख रहा है, हाँ आपको भी दिख ही रहा होगा, बिल्कुल गोल दिख रहा है। और इस साइड सनसेट हुआ है। और ये हमारे जूते थोड़े पहनने लायक हो गए हैं, बस इनको सुखाना है। गाड़ी में सुखा लूँगा वो तो, मैं गाड़ी के पीछे रख देते, डिग्गी में तो सूख जाते हैं। भाजी के भी ये हो गए, अब कर दी पूरी गाड़ी वाड़ी वॉश, अब बस कराना है टायर ठीक। 1.5 किलोमीटर ध्यान दूर बोराचार्य मिल जाएगा, वो टायर भी रिपेयर करवा के रखें, ख़त्म करें खेल। फिर पाजी का सामान उतारते हैं, मैं अपना सामान थोड़ा अरेंज करता हूँ, क्योंकि भाई अब मैं अकेला जाऊँगा तो फिर बिल्कुल अरेंज चाहिए सामान की, कहीं पड़ा हो वो नहीं, सब थोड़ा अरेंज करते हैं गाड़ी को अगले 5-7 दिनों के लिए। तो अब स्टार्ट हो चुका है भाई गाड़ी का क्लीनिंग का प्रोसेस। तो जितने भी फालतू की चीज़ हैं इन सबको हम डाल देंगे। अरे मेरा कोरोना टेस्ट है सर्बिया से, ठीक है। ये अपने काजू तो काम आएंगे, और इस तरफ दरवाजे में कुछ नहीं है, इसमें देखता हूँ। इसमें भी ट्रैश नाम का तो कुछ नहीं है सामान भाई। देखो अगर आपको नहीं पता है तो कचासा होती है यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रिंक। तो जो इनकी गर्लफ्रेंड है उनके भाई के घर गए थे, तो हम उनके फादर के लिए गिफ्ट करी है उन्होंने, तो हम ये लेके आए थे, ये भी उनके फादर को देंगे। आ जाओ इस तरफ देखते हैं भाजी, एक बार ट्रैश ख़त्म करके फिर अंदर चलते हैं। मोहल्ला यार, ये मोहल्ला है अगर आपको गाँव का देखना है, खाली रोड रहती हैं, ठीक है। अपना ये घर है, ऊपर शॉक हुआ है मैंने दिखाई दी थी। अब अगला स्टेप है राज भाई की सारी चीज़ें बाहर निकालना, क्योंकि वो ट्रिप छोड़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनका घर आ चुका है। सो ये मुश्किल काम है भाई, थोड़ा सारी चीज़ें देखना भाई किसकी कौन सी है। तो सब सामान पाजी का निकल चुका है भाई, निकल गया सब सामान, निकल गया बस। चलिए अब सीधा करवा लेते हैं टायर जो वो ख़त्म हो जाएगा फिर पूरे मेरे हिसाब से, कितने 1.5 घंटा तो लग गया होगा हमको। नक्शा बदल गया एक बात है ना, अब अलग लग रही है, अलग नहीं रहा, पारा स्टेट से आई है। पर देखो यहाँ पे मैं कह रहा था ना कि कपड़ा मारने की जरूरत नहीं पड़ती, मिट्टी नहीं उड़ती, तो थोड़ा बहुत मारना ही पड़ता है। पता क्या है भाई, ये पानी है जो जम गया है, मिट्टी हजे भी इतने है अभी भी है ना, मिट्टी अभी भी है, ये मतलब प्रेशर वॉश पे धुलता है ढंग से। चलो हमसे जितना उपाय धो दिया, वैसे रूल्स अकॉर्डिंग टू रूल्स हमारा कोई कर्तव्य नहीं है कि भाई गाड़ी धुलवा के दे उनको वापस, क्योंकि 20-25 दिन के लिए अगर कोई ले रहा है तो भाई गाड़ी तो गंदी होएगी और हम थोड़ी धुलवाते फिरेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। वो तो हमने भाई इसलिए धो दी कि खाली थे, और यहाँ पे लोगों को गाड़ी धोनी पसंद भी है, खुद धो भी ली, ठीक है। इतनी जब बहुत ही ज़्यादा गंदी थी ना, तो हमें भी थोड़ा लग रहा है यार इतनी गंदी गाड़ी चला रहे हैं, अब आगे भी जाना ही है 4,000 किलोमीटर, तो ठीक है आगे इतनी गंदी रोड आएगी नहीं, तो ऐसी की ऐसी कम से कम मेंटेन तो रहेगी, मेरे को भी थोड़ा चलाने में ठीक लगेगा। विंडशील्ड वगैरह जो होते हैं ना, मच्छर मरते हैं वो, पेट्रोल पंप पे अगर आप टंकी फुल कराते हो ना, तो उनको कह सकते हो भाई विंडशील्ड और पीछे का ये सब धो दो, वो फ्री में धो देते हैं। तो अपना जो मेन चीज़ है वो तो विंडशील्ड है, और तो पूरी गाड़ी होती रही गंदी, चाहे अपने को दिखना चाहिए आगे का। पानी भर दिया वाइपर्स में, अब चलते हैं टायर ठीक कराने। इस बार 2 जगह से मुड़ गया था हमारा, एक ही रिम, एक तो अभी ठीक हो रहा है, सही निकल रहा है, सही निकल रहा है, हाँ हो गया ठीक हो गया भाई। ये ना चिप पाते इनको, इतने रख के मार, थोड़ा दें दे, नौ सी छे छे भाई, निशान दिखना ना साफ, थोड़े मारी थोड़ी।
रिम का अपना काम हो गया, तीन जगह से मुड़ा हुआ था, करवा दिया सीधा, मतलब इतना कराया कि बस मोविदा वालों को ना दिखे। और जैसा कप का ये फायदा है, कप का ये फायदा है, हाँ इसका ये जो कवर का है ठीक है भाजी, अब तो लग ही नहीं रहा ये कहीं बर्फ में गिरा होगा हमको, मतलब वो है कि नए जैसा तो कभी नहीं बन सकता, पर मोविदा वालों को बना सकते हैं हम, उनको लगेगा अभी गंदी है गाड़ी धुलाकर सही हो जाएगी पर सही नहीं होगी, सही नहीं होगी जब जो कोई जलाए। और भाई साहब ये गाड़ी खड़क चुकी है, अरे आवाज आ रही है अभी इसमें से खड़क खड़क, जो जैसे 90 कंटेसा कार होती है ना, जो पुरानी जैसी बात होती है, तो बस इसमें इथेनॉल डलवा लेते हैं। यहाँ पे एक पंप है, थैंक यू, तो एक पंप है यहाँ पे, इथेनॉल डलवा लेते हैं ताकि सुबह अपना दिन वेस्ट ना हो, मतलब टाइम वेस्ट ना हो, सुबह सीधा हम, मतलब मैं अकेला निकल जाऊंगा फिर। और सुबह एक काम हो रहा है वैक्सीन लगवाने का, तो पाजी को भी नहीं पता यहाँ पे येलो फीवर का खतरा है, तो पाजी ने भी अभी तक लगवाई नहीं, 5-6 महीने हो गए हैं, तो मैंने कहा लगवा लेते हैं, येलो फीवर का खतरा पाजी को पता चला तो पाजी भी डर गए, तो आज पूछने गए थे, कहते सुबह 8 बजे आओगे तो पीछे वो होगा खड्डा सा होगा ना, इसलिए जा रही पीछे गड्डी जानी चाहिए थी। देखूं तो यहाँ पे आखिरी चीज पेट्रोल भरवाना है, इथेनॉल यहाँ मिल रहा है 4.5 का, और आप यहाँ पे देखोगे ये लोग कोमा लगाते हैं डॉट की जगह, ये हर जगह कोमा ही लगाते हैं, तो ये कंप्लीट करा लेते हैं, टंकी में भरवा लेता हूँ अपनी 5 लीटर और जो अपनी पास बोतल है, और फिर देखेंगे आगे जो भी रेट मिलता है। ये इस दिन का आखिरी काम है, कार अपनी रेडी हो चुकी है अपने नॉर्थ ईस्ट टूर के लिए, 4000 किलोमीटर का जो टूर है उसके लिए कार रेडी हो चुकी है, 7500 किलोमीटर हम चला चुके हैं पहले ही, तो बस इसको फुल करके चलते हैं। गाड़ी के साथ साथ अपनी दोनों बोतलों में भरवा लिया 11 लीटर, तो गाड़ी में आया 33 लीटर, 203 का ख़त्म काम। चलो भाई पेट्रोल में तो मैं रियो डी जनेरियो पहुंच जाऊंगा ये मेरा डायलॉग फेवरेट है, अब तो इतना पेट्रोल है अब तो रोकनी नहीं गाड़ी चलती गाड़ी में ही पेट्रोल डला लिया जाएगा ब्रेक भी नहीं लगेगी वो तो मैं राज भाई को करके थोड़ा हम रुक रुक के चलते थे, मैं तो ऐसे उड़ती जाती है गड्डी हमारी जब मैं अकेला होता